बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हम अहले ईमान ख़वातीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज सुबह में शिरकत की सआदत हासिल करती। इफ़त माब ख़वातीन चादरों में लिपटी होती थी। नमाज की अदायगी के बाद वो घरों में वापस तशरीफ लाती। अंधेरे की वजह से कोई भी पहचानी ना जा सकती थी। बुखारी और इब्ने अब्बान ने इसे रवायत किया है। हजरत अबू बरज़ा अल असलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह अदा फरमाते, फिर हम वापस आते तो हम में से कोई अपने हम नशी को पहचान नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 से लेकर 100 आयात तैयबा पढ़ते थे। इब्ने माजा ने इसको रवायत किया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर अदा करते थे, फिर हम जुदा होते तो हम बास को पहचान नहीं सकते थे।